आइए दोस्तों, विद्या किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने यहाँ पे बड़े और बच्चों की पसंद की मैगी मंचूरियन तैयार की है। दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं। दोस्तों आज हम बच्चों के लिए यहाँ पे मैगी का बहुत ही शानदार नाश्ता बनाएंगे। मैगी खाते खाते बच्चे अगर बोर हो जाते हैं दोस्तों, तो आज चलिए इसे हम चेंज करके बच्चों के लिए यहाँ पर मैगी मंचूरियन तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर छोटे पैकेट लिए हमने मैगी के, और इनको हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। ये हमने पानी लिया है एक गिलास करीब, और उसमें हम अपनी दोनों मैगियों को डाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ मैगी ऐसे ही डाल दी साबुत, इसको हमने तोड़ा नहीं है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसे बॉयल हमें दोस्तों 5 मिनट के लिए करना है सिर्फ। ये 5 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब चलिए दोस्तों बॉयल हो रही है, तब तक हम आपको बताते हैं हमें आगे क्या करना है। दोस्तों अब हमारे पास 2 पैकेट और हैं मैगी के, तो उसको हम एक जार में डालेंगे, और इसके जो पाउच जो अंदर निकलता है इसमें मसाला है दोस्तों, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे दोनों पैकेट खोल लेते हैं और यहाँ पे मैगी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको बारीक पीस लिया है। इसमें कुछ मैगी के टुकड़े हैं छोटे छोटे और पाउडर है, इसे हमें इस तरह से दरदरा करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये चावल के दाने की तरह दरदरा हो गया है। अब दोस्तों हमें मैगी, दोस्तों अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए मैगी हमारी तैयार हो गई है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए मैगी मंचूरियन के लिए यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें घिस के रखी हैं, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और गोभी। ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं मंचूरियन बनाने के लिए। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, और ये एक प्याज है, हमें इसका भी उपयोग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका पानी सारा निकाल देते हैं, जिससे ये ठंडी हो जाए। दोस्तों ये देखिए, हमने मैगी का पानी भी बाहर निकाल लिया, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसे हमें फेंकना नहीं। ये जब तक ये पानी इसका सारा निकल जाएगा, तब तक हम इसको इसके ऊपर ही रख देते हैं और अपनी आगे तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इस शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेंगे, और गाजर को और प्याज को हम तीनों को कट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसको पतला पतला कट कर लेंगे, जितना पतला आप कर सकते हैं इसको पतला कट कर लीजिए। बच्चे जैसा पसंद करें, अगर दोस्तों बच्चे हरी सब्जियां खाने से नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसको और भी बारीक कट कर लीजिए। गाजर को भी आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, छोटा गोल कट कर सकती हैं, लंबे में भी कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे गोल कट कर लेंगे, इस तरह से पतला पतला काटिए, जिससे ये जल्दी गल जाएगा, और इसे थोड़ा सा लंबा कट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमने इसे बहुत पतला कट कर लिया, कुछ थोड़ा सा मोटा कर लिया, 2 तरह के हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया गाजर को। अब हम इसी तरह से अपने प्याज को भी कट कर लेते हैं लंबा लंबा। ये देखिए, पतला पतला बिल्कुल कट कर लेंगे, जिससे ये ऐसे बच्चे आसानी से खा सकेंगे। मैगी तो बच्चों ने बहुत खाई है, इस तरह से हम इनको नाश्ता देंगे बनाकर, तो बच्चे सारा चट कर जाएंगे और सारी सब्जियाँ भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हमारी मैगी का सारा पानी निकल गया है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैगी बिल्कुल लंबी लंबी भी है, और इसका सारा पानी भी निकल गया है। तो अब हम इसमें जो हमने सब्जियाँ कट करके रखी हैं दोस्तों मंचूरियन के लिए, उसे हम इसमें इस तरह से मिक्स कर देते हैं। आप जितनी सब्जी चाहें दोस्तों, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, उन्हें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम यहाँ पे मैगी मसाला मिलाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे 1/2 चम्मच मैगी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आधा ही चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। दोस्तों बच्चे हरी मिर्च नहीं खा पाते तो इसलिए हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, और अगर बच्चे आपके लाल मिर्च भी नहीं खा सकते दोस्तों तो उसको बहुत हल्का रखिएगा, चौथाई चम्मच के करीब इसमें मिर्च रखिए, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल रहे हैं खाने वाला, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और सब्जियां आपको कम लगती हैं दोस्तों तो आप सब्जियां और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं सारी सब्जियां ऐड करती हूँ। अब देखिए दोस्तों हमने सारी सब्जियां और मसाले ऐड कर दिए हैं, अब हम इनकी छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि हम इसमें आधा चम्मच के करीब प्राउन डाल देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने ऐड किया आधा चम्मच के करीब। इससे क्या है दोस्तों, ये आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे और हमारी बॉल बनने में आसानी रहेगी। अब हम इसकी जितनी बड़ी आप चाहें छोटी वैसी आप इसकी बॉल तैयार कीजिए। देख रहे हैं दोस्तों हमने यहाँ पे मैगी को बिल्कुल भी कट नहीं किया, इसलिए बहुत लंबी लंबी है, और इसी तरह हम इसको रखेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल हम हाथों से दबा करके तैयार करें। तो दोस्तों ये हमने बॉल तैयार कर ली यहाँ पे, और ये हमने जो मैगी का चूरा तैयार किया है इसको हम अपने बॉल में इस तरह से लपेट देंगे, और हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए आपको फिर से एक बार इसे करना है, जिससे इसका चूरा इसमें अच्छे से लग जाएगा और आपकी ये मंचूरियन बॉल बहुत अच्छी तैयार होगी दोस्तों। इसी तरह आपको सारी बॉल तैयार करनी है दोस्तों। अब हमारी देखिए बॉल तैयार हो चुकी है मैगी की। अब हम कढ़ाई यहाँ पे हमने गरम करने रख दी है, उसमें ऑयल गरम हो रहा है तो हम इनको अभी सेक लेंगे। दोस्तों इस समय हमने गैस को खोल कर रखा है, और चेक करने के लिए हम इसमें कुछ दाने डाल के देखेंगे। तो ये देखिए मैगी के दाने ऊपर आने लगे, इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे बॉल को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई करेंगे। बॉल हम एक एक दो दो करके ही सेकेंगे दोस्तों, एक साथ नहीं डालिएगा, और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए गोल्डन होने तक। ये देखिए दोस्तों ये गोल्डन कलर आ गया है इसमें। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये फ्राई हुई है। ये देखिए हमें इस तरह से गोल्डन कलर चाहिए था इसका, और इसे हम बाहर निकाल, अब बाकी हम अपनी सारी बॉल्स इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों बाकी बची हुई बॉल भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हम इनको निकाल लेते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन हुई है, इसी तरह आपको भी गोल्डन ब्राउन में सेकना है हल्का सा। देख सकते हैं दोस्तों आप मंचूरियन के लिए कितनी तैयार अच्छे हमने बॉल की यहाँ पे, इसी तरह आपको बनाना है तो बच्चे से देख करके बहुत खुश होंगे दोस्तों। बच्चे और बड़े दोनों ही इसे खा सकते हैं, इसे बहुत टेस्टी नाश्ता है, आप चाहे तो बड़ों को लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे और बनाते हैं। दोस्तों यहाँ हमने कढ़ाई गर्म करने रख दी है, बॉल हमने पहले तैयार कर ली थी आपको दिखाया था। अब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें अंदाज से एक चम्मच बड़ा ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए हमने एक चम्मच ऑयल डाला है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो एक प्याज काट करके रखी है उसे हम तेल में डाल देते हैं, तेल गर्म हो चुका है, और साथ में हम गाजर भी डालेंगे। शिमला मिर्च को दोस्तों हम बाद में डालेंगे, और इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका कलर चेंज हो गया है हल्का सा, जैसे हमें चाहिए था हमें ऐसे। अब इसमें हम यहाँ पे जो शिमला मिर्च हमने कट करके रखी है उसे भी साथ में डाल देते हैं दोस्तों, और ये थोड़ी सी एक चम्मच घिसी हुई बारीक हमने जो सब्जियाँ कट करके घिसके रखी थी वो भी हम इसमें साथ में ऐड करेंगे दोस्तों। अब इनको भी हम एक साथ मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और इन्हें अच्छे से एक बार फिर से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए,
हमने गैस को मीडियम कर रखा है, ये देखिए मीडियम पे है। दोस्तों हमने बॉल में पहले ही नमक डाल के रखा था, तो इसमें हम यहाँ पे चौथाई चम्मच के करीब नमक डालेंगे, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे नमक कम रखा है। और हमने मिर्च भी इसमें बॉल में इस्तेमाल की है, तो हम यहाँ पे चौथाई चम्मच मिर्च भी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि बच्चे ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते हैं, तो हम यहाँ पे लाइट मसाले रख रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो दोस्तों, तो आप उसे तीखा और चटपटा बनाइएगा। तो चलिए अब दोस्तों, जो हमने मैगी का पानी निकाल के रखा था ये आप देख सकते हैं, हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम इस सब्जी में मैगी के पानी को डाल देते हैं। अभी हमने इसमें आधा पानी डाला है दोस्तों, और आधा भी हमने बचा के रखा है। इसको अब हम 2 मिनट के लिए सब्जियों को ढक करके पकने देंगे अच्छे से, जिससे ये नरम हो जाए। दोस्तों जो मैगी का पानी हमारे पास बचा हुआ है बाकी, उसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देते हैं और अच्छे से इसे धो लेंगे। अब दोस्तों यहाँ 2 मिनट हो चुके, तो हम देखते हैं हमारी सब्जियाँ, देखिए दोस्तों अच्छे से पक गई हैं। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब दोस्तों हमने ये देख रहे हैं मैगी के पानी तो खड़ा उठ गया था, उसको हम फिर से इसमें डाल देते हैं सब्जियों में, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पता क्या गया दोस्तों, इसमें हम 1/4 चम्मच अजीनोमोटो डाला है हमने यहाँ पे, और गैस को हमने मीडियम कर दिया है। दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच यहाँ पे विनेगर डालेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे सफ़ेद विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं भर करके, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब दोस्तों हमने जो बॉल तैयार की है मंचूरियन की, मैगी मंचूरियन, वो देखिए हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं, सारी बॉल डाल देंगे। गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है दोस्तों, क्योंकि अब हमें गैस को ज़्यादा तेज नहीं करना है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पे मंचूरियन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम ऊपर से इसमें मैगी मसाला और ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब, यह हमें अंदाज से डाल लें दोस्तों, आप चम्मच की सहायता से डाल सकते हैं। तो ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें और ज़्यादा कलर डार्क चाहिए, तो सोया सॉस थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे दोस्तों, और पकने देंगे। तो हमारी मंचूरियन तैयार हो गई है, मैगी मंचूरियन। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों अब हमारी मैगी मंचूरियन तैयार हो गई है। अब हम इसके सबसे आखिरी में, जब आप किसी को सर्व करें उससे पहले, थोड़ा सा नींबू का रस इसपे इस तरह से डालिएगा और सर्व कीजिए, तो आपकी मंचूरियन तैयार है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों के साथ आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।